फ्रेंड्स, आशीष व्यास योर एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आने वाले विश योग के बारे में, जो कि दिसंबर 15 से जनवरी 15 के बीच में रहने वाला है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये विश योग इफेक्ट करेगा। यहाँ विश योग कब इफेक्ट करेगा उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगा। अगर आपकी बर्थ डेट 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में है तो ये विश योग आपको इफेक्ट करेगा 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। और अगर आपकी बर्थ डेट यहाँ पहली तारीख से 15 तारीख के बीच में है तो ये विश योग आपको इफेक्ट करेगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के रिलेटेड, जिसमें ये राशि मैं चंद्र राशि के हिसाब से गिन रहा हूँ। तो आप जब भी अपना राशि देखें, नॉर्थ साइड रह रहे हो या साउथ में रह रहे हो, चंद्र राशि के हिसाब से आप अपना जो नाम है राशि के हिसाब से वो आप देखिएगा। यहाँ पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि को ये विश योग इफेक्ट करेगा संतान से रिलेटेड और बॉसेस से रिलेटेड काम काज में ये इफेक्ट करेगा। यहाँ शेयर मार्केट रिलेटेड नेगेटिव टाइम रहेगा, संतान से जुड़ी हुई तकलीफ आएगी, संतान की हेल्थ के बारे में, संतान की पढ़ाई के बारे में, संतान के एजुकेशन, संतान का जॉब, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। यहाँ बॉसेस से रिलेटेड चीज़ों में आर्ग्यूमेंट रहेगा, अपने अंडर में जो भी टीम है उसके साथ काम करने में दिक्कत आएगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर सूर्य जो है वो मिल्कत का प्लैनेट है। यहाँ मिल्कत से जुड़े हुए प्रॉब्लम आएंगे, घर में जो भी मिल्कत है उसे नुकसान के योग, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उससे रिलेटेड तकलीफ आएगी। यहाँ इसके अलावा शनि जो है भाग्य का प्लैनेट है और इस कुंडली में भी, इस राशि में भी, वृषभ राशि में भी बॉसेस से रिलेटेड यहाँ प्लैनेट शनि है तो बॉसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पिता से मन मुटाव हो सकता है, घर वालों के साथ भी ओपिनियन डिफरेंसेस रहेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंदर ये विश योग बन रहा है सातवें स्थान पे, यानी पत्नी के स्थान पे, पत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद हो सकता है। यहाँ इस कुंडली के अंदर, इस मिथुन राशि के अंदर जो शनि महाराज है ये अगेन यहाँ हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम लाएंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी दिक्कत हो सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर ये विश योग बनने वाला है जॉब के स्थान में, हेल्थ के स्थान में। यहाँ जॉब से जुड़े हुए चिंता बनेगी, हेल्थ से जुड़ी हुई चिंता रहेगी, जानवरों से संभालना है, जानवर के काटने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ ये विश योग के चलते जॉब से जुड़े हुए कोई भी काम, प्रमोशन है या कोई बड़ा इंक्रीमेंट होना है, वो सभी चीजों में अड़चन आएगी। यहाँ जो शनि है इस कुंडली के अंदर, शनि और सूर्य, जिसमें सूर्य परिवार का प्लैनेट है, परिवार के सदस्यों के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस या उनके हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ ये सभी चीजों में ध्यान रखना होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के अंदर सूर्य हेल्थ का प्लैनेट है, दिमाग का प्लैनेट है। यहाँ विदाउट एनी रीजन स्ट्रेस क्रिएट होगा, हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम होंगे। विश योग बनेगा इनकी कुंडली के अंदर संतान के स्थान में और शेयर मार्केट के स्थान पे, रिलेशनशिप के स्थान पे, और सिमिलरली ये इफेक्ट करेगा वाइफ को भी। हेल्थ से जुड़े हुए प्रॉब्लम, वाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम, संतान से जुड़े हुए प्रॉब्लम, शेयर मार्केट से जुड़े हुए प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम सिंह राशि, ये विश योग का सबसे ज्यादा जो अगर कोई इफेक्ट होने वाला है तो सिंह राशि को होगा, उसके बाद मकर और कुंभ राशि को होने वाला है, तो ये राशि को ज्यादा संभालना है। कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर ये जो विश योग है जिसकी इफेक्ट है यहाँ नॉमिनल रहेगी। कन्या राशि के अंदर बारहवें खाने का स्वामी शनि सूर्य है तो बारहवें खाने यानी कोर्ट मैटर से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, कोर्ट मैटर रिलेटेड चीजों को संभालना है। इस कन्या राशि के अंदर भी शनि महाराज मिल्कत के प्लैनेट है और संतान के प्लैनेट है तो मिल्कत से जुड़ी हुई चीजें, माता से जुड़ी हुई चीजें और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीजों में इनको ध्यान रखना है। तुला राशि। तुला राशि के अंदर शनि महाराज योग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी तुला राशि के जो भी जातक है उनको जॉब के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत वाला टाइम इस वक्त रहने वाला है, क्योंकि इनकम का प्लैनेट उनका सूर्य है। यहाँ पैसे कमाने में दिक्कत आएगी, जॉब में ट्रांसफर हो सकता है या जॉब से जुड़ी हुई चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ बड़े भाई बहन से मन मुटाव हो सकता है और भी रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य ऊपरी अधिकारी का प्लैनेट है, पिता का प्लैनेट है, अपने अंडर में जो टीम है, टीम से जुड़ी हुई चीजों में काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगी, जो परफॉर्मेंस चाहिए टीम से वो नहीं मिलेगा। यहाँ
वृश्चिक राशि के जातकों को इस वक्त गुरु महाराज उनकी राशि में चल रहे हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जो कि इनकी कुंडली के अंदर परिवार के स्थान में हो रहा है या वृश्चिक राशि के अंदर अगर बात करें, क्योंकि राशि और लग्न दोनों में एक ही समझता हूँ, यहाँ वृश्चिक राशि के अंदर परिवार से जुड़े हुए मामलों में दिक्कत आएगी, पैसे का अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, यहाँ लैंग्वेज की वजह से ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों को संभालना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर दिमाग के स्थान पे, पहले स्थान पे जो उनका सोच का खाना है, शरीर का खाना है, उस स्थान पे विष योग बनने वाला है, मानसिक अशांति रहेगी, यहाँ पर भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा, पारिवारिक मतभेद होंगे क्योंकि परिवार का प्लैनेट यहाँ पर शनि है, यहाँ छोटे बड़े भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं, ऊपरी अधिकारी पार्टनर के साथ बिजनेस के अंदर मतभेद होंगे, ये विष योग का इफेक्ट इनको काफी ज्यादा नेगेटिव आएगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी यहाँ पर चिंता का विषय रहेगा क्योंकि जो विष योग बनने वाला है उनके कॉर्ड मैटर के खाने में, खर्चे के खाने में, लग्न जीवन के सुख के खाने में बनने वाला है, तो इनको भी यहाँ पर इस वक्त के लिए जॉब से जुड़ी हुई चीजों में, बिजनेस से जुड़ी हुई चीजों में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आफ्टर 2 मंथ यानी जनवरी के बाद अगर इनको कोई नया बिजनेस शुरू करना है या जॉब से जुड़ी हुई चीजों में नए जॉब के लिए सोचना है तो वो 2 महीने के बाद सोचे, अभी जो समय है वो इतना अनुकूल नहीं है। कुंभ राशि का इस वक्त का जो समय है बहुत ही मीडियम टाइम चल रहा है, जिसमें जो विष योग है इनकी कुंडली में, हालांकि यहाँ पर इनकम के खाने में बन रहा है, मित्र के खाने में बन रहा है, बड़े भाई बहन के खाने में बन रहा है, यहाँ मानसिक अशांति रहेगी, यहाँ संतान से जुड़े हुए प्रॉब्लम रहेंगे, यहाँ पत्नी से जुड़े हुए प्रॉब्लम रहेंगे, भागीदारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम रहेंगे, यहाँ कुंभ राशि को सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगी। मीन राशि आखिरी राशि है, इस राशि के जातकों के लिए खासकर ऊपरी अधिकारी रिलेटेड, माता पिता से रिलेटेड, मिल्कत से रिलेटेड चीजों में नेगेटिव इफेक्ट है। मीन राशि के अंदर सूर्य जो है यहाँ उनके जॉब से रिलेटेड प्लैनेट होने की वजह से यहाँ हेल्थ के इश्यू, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ शत्रु से दिक्कत होगी, मान हानि के भी योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अगले 2 महीने काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, जॉब के अंदर भी पत्नी के साथ मन मुटाव रहेगा, यहाँ इस वक्त उनके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, मुसाफरी के अच्छे खासे योग है, लेकिन ये सारे चीजों में इनको ध्यान रखना है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था जहां मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो यहाँ बेल का जो आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे और भी जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।